को एक नंबर। जय जय जय। शुक्रिया आप लोगों का। नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, आपका जस्टिस दवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने अनुभव और अपनी रिपोर्ट दंगों के समय की जो साझा की, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उसी के संदर्भ में मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति में पैसे का प्रवेश हो रहा था तो दो चार साधु लोग कह रहे थे कि राजनीति में पैसे की क्या जरूरत है, पर जो उस वक्त के व्यवहारिक लोग थे वो ये कह रहे थे कि सत्ता चाहिए और राजनीति हम सत्ता के लिए करते हैं, दांव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पैसा आने दीजिए, धन को आने दीजिए। राजनीति में धन आने लगा, कब काला धन बन गया पता ही नहीं चला। उसी तरह से जस्टिस दवे ने जिस धर्म की तरफ इशारा किया है, मैं उससे के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में धर्म को मत आने दीजिए। धीरे धीरे धर्म आते आते कब काला धर्म बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और जैसे ही धर्म की हैसियत राजनीति में बड़ी होगी, नागरिक के रूप में आपकी हैसियत छोटी हो जाएगी। आप अपनी नागरिकता संविधान के दिए हुए अधिकारों से हासिल कीजिए। अगर अपनी नागरिक शक्ति, अपने नागरिक होने का अधिकार अगर आप धर्म की शक्ति से हासिल करेंगे तो आप न धर्म के रहेंगे न संविधान के रहेंगे, नागरिक की जगह जानवर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। व्यास जी ने एक किताब दी है, अब नहीं तो कब बोलोगे, अब आ गया हूं तो अभी बोलूंगा। वैसे भी मैं एक दिन में कई बार और हर बार दो दो घंटे भाषण नहीं देता हूँ, फिर भी आपने मुझे बुलाया है इसलिए शुक्रिया। जमाना उन्हें भी सुन रहा है जो कम बोलना चाहते हैं, उन्हें भी सुन रहा है जिन्हें कम बुलाया जाता है। गोदी मीडिया ने आम दर्शकों के लिए पिछले 3 साल से एक सिलेबस लॉन्च किया है, इसे मैं नेशनल सिलेबस कहता हूं। और 3 साल से ये नेशनल सिलेबस जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि रोज शाम को एक ही थीम है उस सिलेबस का, लेकिन चैप्टर अलग अलग है। रोज शाम को खिचड़ी, बिरयानी, ताजमहल मंदिर, नेहरू बनाम पटेल, बोस बनाम नेहरू, 3 तलाक, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, अशोक, टीपू सुल्तान, पद्मावती, रानी पद्मावती, और मालूम नहीं कब दीपोत्सव, सबसे ऊंची मूर्ति, महापुरुष वगैरह तो आते जाते रहते हैं इस लिस्ट में, सिलेबस में। जब कुछ नहीं होता है तब ये लोग आ जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो नेशनल सिलेबस का कोई दूसरा चैप्टर आ जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा देश इतिहास की कक्षा में बैठा हुआ है और हम सब पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं, और जो न्यूज एंकर है वो हमारा इतिहासकार है, और एक नेशनल लेवल पे लेक्चर चल रहा है। सबने इसकी मूल भावना ये है कि सबने किसी ना किसी महापुरुष के प्रति उपेक्षा का भाव पकड़ लिया है कि उनके साथ ये उपेक्षा हुई, अब हम इनकी अपेक्षा पूरी करेंगे, और इसके बहाने अपनी अपेक्षाएं ये लोग पूरी कर रहे हैं। जैसे आप शक करते हैं कि ये क्या चल रहा है, वैसे ही व्हाट्सएप के जरिए चाणक्य का जिक्र आ जाता है। जो राष्ट्र इतिहास नहीं जानता उसका कोई भूगोल नहीं होता, जैसे हम सब भूगोल में टॉप हो गए हैं, हिस्ट्री में बाकी है तो हिस्ट्री जान लें, तो चाणक्य हमारे आजकल प्रोफेसर के बेंचमार्क, उनके नाम से कुछ भी चल जाता है। हिस्ट्री में तो आजकल बहुत ही चल रहा है, युद्ध के मामले में चल रहा है, राष्ट्रीय राजकीय राजनीति के मामले में चाणक्य जी हमारे नेशनल सिलेबस के अंतिम प्रोफेसर है। अगर आपको कोई बात कहनी है, उसका कोई वजूद नहीं है, तो चाणक्य के नाम से चला दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लोग यकीन कर लेंगे कि चाणक्य ने ऐसी कोई बात कही है। उसमें 2-3 बातें जरूर जोड़ दें, राष्ट्र जरूर जोड़ें, हाँ,
और शौर्य बल भी जोड़ दें, इस तरह की चीजें जिसका संबंध वीरता वगैरह से हो, और उसको फिर शेयर करना शुरू करें। सारी राजनीतिक बहस आप देखेंगे कि इस नेशनल सिलेबस के आसपास है। हो क्या रहा है कि इसके जरिए आप समझ रहे हैं कि आपको इतिहास से जोड़ा जा रहा है, दरअसल बहुत चालाकी से आपको इतिहास से काटा जा रहा है, आपको इतिहास विहीन बनाया जा रहा है। और आप समझ रहे हैं कि रोज हमें ये एक नया इतिहास लाकर जो गलत इतिहास हुआ था उसे अब सही करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उस इतिहास को गलत बताकर इतिहास लेखन कोई एक रेखा में नहीं चलती, एक बात पे खत्म नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है। एक किताब के समानांतर 10 किताबें आती रहती हैं, एक शोध को दूसरे शोध खारिज करते रहते हैं। ऐसा कोई वामपंथी इतिहास नहीं होता जो एक मोटी रेखा में लिखा गया हो और एक पार्टी हेडक्वार्टर से निकाला गया हो इतिहास। लेकिन उसके बरक्स जो दक्षिणपंथी इतिहास होता है वो एक जगह से निकला हुआ आपको दिखता है। अगर आप लाइब्रेरी में चलकर इसे चाहते हैं कि साबित करना, मैं वो भी आपके साथ कर सकता हूँ। पर इतिहास लेखन जो है उसमें बहुत बदलाव है। वो राजा रानी महापुरुषों के इतिहास से निकलकर आपकी जिंदगी आपके योगदानों के इतिहास में गया, ढूंढा और देखा कि आपकी जिंदगी में आप अपने समय को किस तरह से देख रहे हैं, उससे भी इतिहास की रचना को पूर्ण करने की कोशिश की गई। जहां तक और जिस हद तक लिखित या अन्य तरह के दस्तावेज मिले हैं, पर अब फिर से उस इतिहास लेखन को हमें राजा रानी के इतिहास की तरफ लिया ले जाया जा रहा है और एक बदले की भावना भरी जा रही है कि हम उसका अब बदला लेंगे। आज जो आज हमारे बीच नहीं है और जो आज है उनका उस इतिहास से कोई लेना देना नहीं, कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसका बदला लिया जा रहा है। और एक नया नया इस तरह से नेशनल सिलेबस के तहत ये आपके भीतर नौजवानों में नफरत की आग भरी जा रही है और आप नौजवान चलते फिरते मानव बम की तरह हो गए हैं। सांप्रदायिकता एक इंसान को मानव बम में बदल देती है, इस बात को नोट कर लीजिए। और ये किसी और को नहीं बदलती, आपके पड़ोसी के बच्चे को नहीं बदलती है, आपके घर के अपने बच्चे को मानव बम में बदल देती है। वो इतने नफरत से भरा हुआ नौजवान घूम रहा होता है कि मामूली झगड़े को दो लोग जो मुमकिन है कि दो धर्म के हों और उनके बीच जायज सवाल को लेकर झगड़ा हो रहा हो, वो उसे सिर्फ सांप्रदायिक निगाह से देखता है, मानव बम की तरह फटता है और उस हत्या में शामिल हो जाता है जो सत्ता की मदद से भले ना पकड़े जाते हों, लेकिन वो जुड़ जाता है कि किसी ने उस वो कोई तो भीड़ है जो पहलू खान को मारती है, जो इखलाक को मारती है, जो केरल में किसी और को मारती है, आप उसमें बदल जाते हैं। तो ये मानव बम है हमारे समाज के भीतर। ये किसी भी प्रकार के समाज में, किसी भी प्रकार के राष्ट्र में इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, आपका सत्ता का कुछ नहीं होने वाला, आपका एक नागरिक के रूप में उसकी आपकी जो हैसियत है वो कमजोर होती जाएगी। आप लगातार ऐसी घटनाओं से, जब मैं बोल रहा हूं तो याद कीजिए, टीवी पे जब आप देखते हैं कि भीड़ ने किसी को पकड़ के मारा, जो मरने वाला है वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन भीड़ जब उसे ओवर पावर कर लेती है, उस पर अपना दबदबा कायम कर लेती है, आप उन समाचारों को सुनते हुए अपने घरों में डरते हैं, फेसबुक पर लिखने से संकोच करते हैं और किसी खास वक्त में घर से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं। तो आप डरते हैं, आपकी हैसियत, आपकी नागरिक शक्ति का क्षरण होता है, ह्रास होता है। तो एक तरह से आप देखें कि ये जो नफरत हमारे दिमाग में भरी जा रही है वो दरअसल सिर्फ राज करने के लिए नहीं भरी जा रही है, वो इसलिए भरी जा रही है कि लोग के रूप में आपकी ताकत, आपकी सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आप अपने बच्चे को इस नेशनल टीवी से सिलेबस पे, जो नेशनल सिलेबस चल रहा है, मैं सचमुच कहता हूं बचा लीजिए, खुद को भी बचा लीजिए इस नेशनल सिलेबस से। इसकी थीम बहुत घातक है और ये खत्म नहीं हो रही है, अंतहीन है, इसका पैटर्न भी एक ही तरह है, कहीं भी चुनाव होते हैं कहीं भी चला आता है। अभी रानी पद्मावती को लेकर विवाद हो रहा है, प्रसून जोशी ने कहा कि फिल्म बनाने वाले ने हमें ही नहीं दिखाया और दुनिया को दिखा रहे हैं और विवाद पैदा कर रहे हैं, ये खतरनाक है। हम सबको एक आत्मविश्वास भरा नागरिक होना चाहिए। हमारे इतिहास में इंसाफ ना इंसाफ जैसे वर्तमान में है, उसी तरह से इतिहास में हुआ है और उसे बरतना आना चाहिए। हमें इतिहास का सामना करने आना चाहिए। हम दोनों इन बहसों के जरिए अति के छोर पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे अपना सांप्रदायिकरण कर रहे हैं।
एक संप्रदाय के प्रति अपने अविश्वास की खाई को चौड़ी करते चले जा रहे हैं। जर्मनी, जहां हिटलर जो दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित तारीख है, दुनिया का सबसे बड़ा शैतान माना जाता है, वो पैदा हुआ, वहां के स्कूलों में सिखाया जाता है कि इस दाग को हम कैसे बरते हैं, इस इतिहास को हम कैसे बरते हैं। ना तो हम इतिहास के पन्नों को जलाकर बरत सकते हैं, ना हम इससे भागकर मुंह छिपाकर बरत सकते हैं। तो क्लास में सिखाया जाता है। मैंने एक जर्मन स्टूडेंट से पूछा था, पत्रकार थी, कि आप लोगों को क्या गिल्ट होता है, हमारे नेता बात बात में सुबह शाम उठकर किसी को भी हिटलर कह देते हैं, क्या जर्मनी में भी लोग इस्तेमाल करते हैं इस बात को? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो मतलब ये है कि आपने तर्क करने की सारी जो क्षमता है वो खो दी है, तब जाकर आप किसी को हिटलर कहते हैं या हिटलर शाही कहते हैं। तो बहुत आसानी से आप इस्तेमाल करते हैं। जब शिंडलर्स लिस्ट आ रही थी, हिटलर के कारनामों पर बनी वो फिल्म, तो स्कूल में उस पत्रकार, महिला पत्रकार की टीचर ने बताया सबको, ये हमारे मुल्क के इतिहास का सबसे काला पन्ना है, ये हुआ, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ना तुम्हारे पिताजी का कसूर है, ना मेरे पिताजी का कसूर है, ये हमारी जिंदगी का एक काला पन्ना है, हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हम सब शर्मिंदा भी हैं, लेकिन हम उस फिल्म को देखते हुए अपराध बोध से नहीं गुजरेंगे, बल्कि आत्मविश्वास से भरेंगे कि हम उस दौर में नहीं हैं, हम एक नए दौर में हैं जो उससे बहुत आगे निकल आए हैं। तो हमने अपने नागरिकों को इतिहास किस तरह से बरता जाए वो नहीं सिखाया है। एक तरह से जानवर, वहशीपन, जंगली बनाने की एक परंपरा इन टीवी चैनलों के जरिए हो रही है। आप अगर नहीं सावधान होना चाहते, कोई बात नहीं, बात याद रखिएगा, किसी वक्त में ये बात बहुत याद आएगी और आप बहुत परेशान होंगे, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कोई भी, आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा तलवार लेकर किसी पड़ोसी को मार रहा है। भले ही उसकी पार्टी उसे बचा लेगी, लेकिन आप रात को नहीं सो पाएंगे कि आपका बच्चा खूनी हो। तो इसलिए ये जो हिंदू मुस्लिम थीम चल रहा है, इसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं के भीतर और इसके भय में मुसलमानों के भीतर मानव बम बनाया जा रहा है। इससे हमारा समाज खराब हो जाएगा। जहां ज्यादा लोग हैं, वहां ज्यादा इस तरह की सांप्रदायिकता मानव बम में लोगों को बदल सकती है। बंगाल का चुनाव आया, आपने देखा इस नेशनल सिलेबस का करामात, रातों रात, दिनों दिन सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की फाइलें खुलने लगी और लगा कि अब उनके साथ इंसाफ होने जा रहा है, जो नाइंसाफी हुई है। तो क्या, तो कभी नेहरू के बनाम उनको बरक्स खड़ा किया गया, कभी किसी के बरक्स खड़ा किया गया, उन्हें पूछने वाले बहुत आए, जब चुनाव हार गए तो सब नेताजी को भूल गए। बंगाल की राजनीति अब भी पहुंच रही है, मुकुल रॉय किसी पार्टी से किसी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नेताजी का नाम नहीं ले रहा, कोई नेताजी को नहीं बुला रहा। तो इसलिए इतिहास का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जरूर लाइब्रेरी में जाइए और पढ़िए कि नेहरू और बोस के बीच के क्या संबंध थे, उन संबंधों में क्या उतार चढ़ाव था, वो जरूर पढ़िए, लेकिन टीवी के दफ्तर में आकर इसे बहस करेंगे गड्ढे में गिरेंगे। जिस एंकर को दिन में दो अखबार पढ़ने का वक्त नहीं होता, वो रोज रात को इतिहासकार बनकर आपको बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। ये बता रहा हूं। और याद रखिएगा, बात किसी दौर की नहीं है, बात आपकी पीढ़ियों की है। आप यहां तक तो निकल आए, लेकिन आपके सामने जो गड्ढे बन रहे हैं उसमें कौन कौन गिरेगा हम नहीं जानते। उसमें सिर्फ मैं नहीं गिरूंगा और सिर्फ आप नहीं गिरेंगे, उन बच्चों को भी गिरते देखेंगे जिन्हें आप गोद में उठाकर अच्छे भविष्य की उनकी कामना करते हैं। तो ऐसे राजनीति में बहुत हीरो लोग आते हैं नए नए कपड़े पहनकर, उन्हें लगता है कि अपना वर्तमान जो है वो लिख रहे हैं इतिहास की तरह, मगर इतिहास उन जैसों का बहुत पहले ही उनका वर्तमान लिख चुका होता है। अगर आप इतिहास को बरतना जानेंगे तो आज के वर्तमान पर आपको कोई हैरानी नहीं होगी। इसी तरह से गुजरात चुनाव में सरदार पटेल के जिक्र की कोई जरूरत नहीं थी, उनका जिक्र राष्ट्र लोकसभा के चुनाव में हो गया था, लेकिन मैं देख रहा था कि नाराज पटेलों को मनाने के लिए सरदार पटेल का जिक्र होने लगा। मेरी पटेल समाज से यही गुजारिश है कि सरदार बहुत बड़े नेता हैं। अगर आप नेहरू और सरदार के रिश्तों को पढ़ेंगे तो आपकी आंखें भर जाएंगी। ऐसे दो दोस्त, दो हम सफर जिंदगी में मिल जाएं तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाए। आप
आपकी जिंदगी में आप किसी के लिए नेहरू बन सके और कोई आपके लिए सरदार बन सके तो सोचिए आपने जिंदगी में बहुत कमाया है। लेकिन आपने जिसे पहले सरदार कहा उसे बोलने के लायक नहीं छोड़ा तो सोचिए आपने सब गंवा दिया है। सरदार के बाद राजनीति में एक और सरदार कहे गए, आजकल बोलते हुए नजर नहीं आते, उन्हें भी लौह पुरुष कहा गया। ये मत कीजिए, उन दोनों के बीच आदर और जो सम्मान था वो दोस्ती राजनीति के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे नेहरू और पटेल एक दूसरे से असहमत होते हुए भी एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे। ये पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि ये बताया जाना चाहिए कि दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद की, दोनों ने एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो असहमतियों के बीच सहमति का रास्ता बनाने के सबसे बड़े राष्ट्रीय उदाहरण अगर हिंदुस्तान की राजनीति में है तो सरदार पटेल और नेहरू का है। उस इतिहास को मिटाया जाए, आप मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसे आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं उसे कोई जी के गया है। जो जी के गया है वो कहां मिटता है? पोस्टर लगाने से इतिहास बदलता तो और बात थी। तो मैं सिर्फ पटेल लोगों से यही कहूंगा कि सरदार को सरदार रहने दीजिए, पटेलों का नेता बनाइएगा तो आप उन्हें सरदार से अलग कर देंगे, बाकी आपकी मर्जी। इतिहास पर इस दौर में जाति संगठनों और इन सब का आज के मेरे टॉपिक से मतलब है कि किस तरह से आपको ये सारी घटनाएं, ये दो दलों के बीच नहीं हो रही हैं, ये सारी घटनाएं आप पर काबू पाने के लिए हो रही हैं। जब आप वर्तमान और इतिहास को भी उनकी ही निगाह से देखने लगेंगे आप नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आपको एक ऐसे लोक में बदला जा रहा है जिसे मामूली तंत्र की मदद से, आधार नंबर से आप पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इतिहास पर जाति संगठनों, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों का कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा है। दो चार पोस्टर फाड़कर इनके नेता इतिहासकार बन जाते हैं, इतिहास की किताब जलाकर आप इतिहास बन सकते हैं, लेखक के खिलाफ FIR कराकर भी आप इतिहास बन सकते हैं, दूसरे के मोहल्ले का रास्ता जानकर इतिहासकार बन सकते हैं, और ये कमाल आप भारत में कर सकते हैं, बाकी जगहों पे नहीं। बाकी जगहों पर इतिहासकार बनने के लिए 5 से 10 साल एक विषय के एक हिस्से पर आपको रिसर्च करते हुए जिंदगी के बिताने पड़ते हैं, तब जाकर कोई कहता है कि आप हिस्टोरियन कहलाने के लायक हैं या नहीं। लेकिन आजकल चौक चौराहों पर जो भी पोस्टर फाड़ देता है वो हिस्टोरियन कहलाता है। तो अगर आप में ये भावना है कि आप इतिहास पढ़ते समय इस फलां लेखक के चेहरे पर, व्यास जी के चेहरे पर स्याही छिड़कने की इच्छा हो रही है तो आपके अंदर आज का इतिहास कुल बुला रहा है। आप ऐसा कीजिए और टीवी स्टूडियो में पहुंच जाइए, ये इतिहासकार होने का स्वर्ण युग चल रहा है, बेस्ट टाइम। बिना पढ़े हिस्टोरियन होने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप में अगर ये है कि आपको हिस्टोरियन बनना है, किताब छोड़िए, बाहर जाइए, कोई भी पोस्टर फाड़ दीजिए, आप इतिहासकार बन जाएंगे। कहिए कि इससे हमारी भावना आहत हुई। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा जिससे किसी एडवोकेट या अटॉर्नी जनरल को छुट्टी लेकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना हो, गैग ऑर्डर लेकर आने की जरूरत पड़े उसे। इसलिए मैं तय किया है कि मैं उन लोगों के बारे में बात ही नहीं करूंगा जो 16,000 गुना मुनाफा कमा लेते हैं। पता चला मेरा ही 16,000 गुना नुकसान हो गया। इसलिए अपना भाषण इस तरह से तैयार किया है कि ना उनकी मानहानि होगी ना मेरी धनहानि होगी। इसके बाद भी कोई मानहानि करना चाहे तो मेरी उनसे एक विनती है, आप जस्टिस लोग हैं यहां पर, मेरे खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि प्लीज मत कीजिए। कीजिए लेकिन 1.25 रुपए की कीजिए। 1.25 रुपए के चढ़ावे से देवता हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां किसी की भी मानहानि 1.25 रुपए से अधिक की ना हो। अमीर और गरीब के बीच भले चाहे जितना फर्क हो जाए, 2 रोटी से लेकर 20 केक का फर्क हो जाए,
लेकिन मानहानि का कोई फर्क ना रहे, सबकी मानहानि 125 की होगी। इससे वकीलों को भी बहुत आराम हो जाएगा, कानून मंत्री को भी कुछ और काम करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मैंने एक नारा लिखा है, एक मान एक हानि, एक मान एक हानि, एक राष्ट्र एक मान, 125 का सबका सम्मान। कितना बढ़िया रहा है, टेम्पो पे लाउडस्पीकर लेके निकल जाइए, एक मान एक हानि, एक राष्ट्र एक मान, 125 का सबका सम्मान। बहुत सामंती चीज है ये मानहानि का जो कानून है, बहुत सामंती कानून है। अपने आप में इसे देखेंगे आप तो, ताकतवर अमीर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, गरीब को आप कभी नहीं देखेंगे कि जाकर कहते हुए कि मेरी मानहानि हो गई, आपने मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया, आपने हमें आत्महत्या करने के लायक बना दिया ग्लानी से कि मैं कर्ज चुका नहीं पा रहा हूं और रस्सी पर लटक जा रहा हूं और मेरी संख्या एक नहीं, एक हजार नहीं, दो नहीं, 2 लाख है, 3 लाख है इस देश में 10 साल के दौरान, 15 साल के दौरान, और अभी पिछले 15 दिनों के भीतर आंध्र प्रदेश में 27 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। उनकी ग्लानी, कर्ज ना चुका पाने की ग्लानी, परिवार ना पाल पाने की ग्लानी आपके खिलाफ मानहानि तक नहीं ले गई। लेकिन कोई अमीर, कोई वकील, कोई ताकतवर आपको डराने के लिए मानहानि का इस्तेमाल करता है। इस तरह से ये जो कानून है वो लोकतंत्र में लोक की हैसियत को कमजोर करता है। पहले आपको इतिहास से डरा रहे हैं, अब आपको मानहानि से डरा रहे हैं। इस डर का एक फायदा होगा कि जिन कोनों में जहां कुछ राज हो सकते हैं, जहां कोई बातें छिपी हुई हो सकती हैं, वो अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगी इस डर की वजह से कि 100 करोड़ और 125 करोड़ की मानहानि का मुकदमा कौन झेलेगा। इसीलिए अगर आप रखना भी चाहते हैं तो कानून में 125 की मानहानि का प्रावधान रखिए। मान के नाम पर किसी का धन छीनना यह संपत्ति के अधिकार की भावना के खिलाफ है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस राइट को किसी के प्राइड में नुकसान हो जाए इस आधार पर नहीं ले सकते। नहीं तो बैंकों से कहिए कि मानहानि लोन की व्यवस्था करें, फिर मैं ऐसा काम कर दूं कि 500 करोड़ की मानहानि हो जाए और एनपीए हो जाए, फिर मैं गोल हो जाऊं। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि मैं बड़ा स्कीम ला रहा हूं जो 10 लोग मानहानि का लोन लेकर एनपीए कर गए हैं, हम बैंकों को बचाने के लिए एक स्कीम ला रहे हैं, ताकि दो लोग लिखे कि हाँ सरकार ने रिफॉर्म शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मानहानि कानून है ये डराने का कानून है कि आप उससे डरें। पहले ही इस कानून के जरिए उद्योगपतियों ने अपने लिए काफी छूट ले ली है, मीडिया में कोई इनके खिलाफ नहीं बोलता। आप उन्हें ईमेल करेंगे कि आपके खिलाफ ये सब चार्ज हैं, वो जवाब नहीं देते हैं और उल्टा नोटिस भेज देते हैं। वही सुविधा अब राजनीतिक दल अपने लिए रखना चाहते हैं। जो सत्ता में है उनके मान सम्मान को इतनी ठेस पहुंच रही है कि बात बात में वो मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं और खुद को वो लोकतंत्र का अगुआ भी बताते हैं। ये और कुछ नहीं, ये लोग को कमजोर करने का एक तरह से डिजाइन है, ताकि आप उसके हिसाब से ही आप करें और इसी हिसाब से मीडिया, उद्योगपति और राजनेता, इन तीनों के बीच एक बहुत ही कोजी रिलेशन बनता जा रहा है। आपके राजस्थान में कानून आते आते रह गए, यहां के सक्रिय नागरिकों और पत्रकारों को बधाई। अगर वो अब नहीं बोलते तो कभी नहीं बोल पाते। राजस्थान पत्रिका ने बहुत साहसिक कदम उठाया कि जो बोलना था वो उसी वक्त गुलाब कोठारी जी ने अपने संपादकीय में अपनी बात कह दी, और कल भी जो उन्होंने खाली स्पेस छोड़ी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज की नहीं, वो आपातकाल के उस दौर की भी याद दिलाती है। वो क्यों खटका हमें कहीं भी उसकी आहट मिले तो क्यों सतर्क होना चाहिए, वो इसलिए कि वो दौर अच्छा नहीं था और इसलिए कि उस दौर को हम फिर नहीं दोहराने देंगे। वो दौर इस बार दोहराया गया या दोहराया जा रहा है तो आपके लोक होने की जो ताकत है, हैसियत है, वो इस बार मिट जाएगी। और यही नहीं, आप पूरे दुनिया के स्तर पर देखें तो किस तरह से मिटती चली जा रही है। सैकड़ों के सैकड़ों जर्नलिस्ट जेल भेजे जा रहे हैं, रूस हो चाहे टर्की हो चाहे अमेरिका हो, आप उस तरह से देखिए कि कैसे एक सूचना के संसार पे सत्ता अपना नियंत्रण कायम करते चली जा रही है। हमारे सामने जो राजस्थान का जो कानून था ये अगर पास होता तो ना तो आप बोल पाते, लिख पाते,
लिख नहीं पाएंगे तो जाहिर आप जी नहीं पाएंगे। और पहले आपको इतिहास की बोझ से डराया गया, फिर मानहानि से, और राजस्थान का कानून अगर पास होता तो मीडिया बंधुआ मजदूर बन जाता। वो वैसे ही गोदी मीडिया है, गोद में खेलता हंसता खेलता बच्चा है, लेकिन सत्ता बहुत क्रूर होती है, वो उस गोद में बैठे बच्चे की गर्दन भी दबा देना चाहते हैं। अब मुर्दाबाद मत कहिए किसी, जनता जिंदाबाद कहिए, बाकी सब ठीक हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र पे, हमारा जो तंत्र है वो लोक पर हावी हो रहा है और आप लगातार कमजोर हो रहे हैं। और इस कमजोर में अवतार की श्रेणी में नेता को खड़ा किया जा रहा है, अपराधी की श्रेणी में जनता को खड़ा किया जा रहा है। आप अगर सवाल पूछते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाता है कि अवतार पुरुष से आपने सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की। सोशल मीडिया पर आपका के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, घेर कर नारेबाजी की जाती है, और इस प्रक्रिया में आप डरने लगे, डरते डरते आप अपने बच्चों को कहते हैं कि फेसबुक पर बहुत लिख रहे हो, कम लिखा करो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सर लिख रहा था लेकिन मेरे माँ ने बहुत मना किया कि जमाना बहुत खराब है, तुम मत लिखा करो, तो अब मैं नहीं लिखूंगा। तो धीरे धीरे आप उस स्पेस को छोड़ते चले जाते हैं। आप उस जगह को जब जितना छोड़ते हैं, आप अपने आप को, अपनी जनता होने की हैसियत को कमजोर करते हैं। जब आप जनता ही नहीं रहेंगे तो आप इंसान इस तंत्र की व्यवस्था में नहीं रह पाएंगे। आपके मनुष्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप अपने आप को जनता बनाए रखिए। वो डरा रहे हैं लोकतंत्र में, इसलिए वो जनता का एक जनबोध होता है, वो होना बहुत जरूरी है। मतलब आप लोकतंत्र पर अपनी दावेदारी कीजिए, आप तंत्र से ऊपर हैं। और जब आपका जनबोध भयबोध का शिकार हो जाता है तब आप सेवक हो जाते हैं। लोकतंत्र में लोक पहले आता है, लोक मास्टर है तंत्र का, ये तंत्र लोक बनाना चाहते हैं। जंतर मंतर झूठ फंतर जो बोले आप वही मानिए, वो बनाना चाहते हैं आपको। पहले रोज वो डरा रहे हैं तरह के बहसों से, लगातार गुस्से वाली बहसों से आपको डरा रहे हैं। आप टीवी देख के लग रहा है ऐसा क्या हो गया है, मतलब कौन कोई हमला कर रहा है आपस में, समाज के बीच में अविश्वास। तो एक तरह से राष्ट्रवाद का सहारा लेकर, इतिहास का सहारा लेकर आपका अपराधीकरण किया जा रहा है। आप उस तरह से बताया जा रहा है कि आप अपराधी और कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरू में लोगों को लगा कि हम सब एक तमाशा देख रहे हैं और एक जायज बहस देख रहे हैं, पर अब कई लोगों को ये बात समझ में आने लगी है और ये डिजाइन किस तरह से, और ये अविश्वास जो है इसका एक पैटर्न है पूरी दुनिया में। आप देखेंगे कि संस्थाएं जब कमजोर होती चली गई और राजनेताओं के प्रति आपका विश्वास कमजोर हुआ तो राजनेताओं ने तरकीब निकाली। जब उनके प्रति क्रेडिबिलिटी, अभी रमेश जी कह रहे थे, जब कमजोर हुई तो तरकीब ये थी कि क्यों ना जनता और जनता के बीच अविश्वास के कई नए नए मॉडल खड़े कर दिए। हम लोग राजनीतिक जरूर, अगर एक दल का तो अव्वल तो सबको समर्थक नहीं होना चाहिए, कई तरह के दल, कई तरह के विचारधाराएं समाज में होनी चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि इससे हम डील कर सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता तो बना रहना चाहिए सबके बीच में। तो वो अविश्वास क्या कर रहा है, उस रिश्ते को खत्म कर रहा है। चूंकि आप कमजोर हो गए हैं तो उस कमजोरी से बचने के लिए आप सत्ता की तरफ सहारा लेते हैं। दरअसल वहां भी जाकर आपको चैन नहीं है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि लौकिक कुछ तो है नहीं। किस तरह से आप देखिए कि जब आपको राष्ट्रवाद देशद्रोही होने का आरोप लगता है और आप जब जाते हैं अदालत में, तो कई ऐसे मामले हुए कि हमारे वकील भाइयों को भी उस पैटर्न पर आजकल उकसा दिया जा रहा है, और वो भी जैसे पटियाला कोर्ट में जब ये मामला हुआ, वो मामला नहीं होना चाहिए था। देखिए, हम अपने वकीलों के योगदान को नहीं जानते, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वो रोज, वो एक ऐसे प्राणी है हमारे समाज में कि संविधान की किताब के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं। वो सबसे निकटतम संरक्षक हैं संविधान के, उनका चाहे धंधा, उनके जीने की शैली, उनसे जो करा है, लेकिन वो हमारे सबसे निकटतम या कहिए कि प्रथम संरक्षक हैं। जहां अदालत में आपके संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन इस राजनीति ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया राष्ट्रवाद के चक्कर में, जो अपना उतना शानदार इतिहास भूल गए कि वो अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अपना सब कुछ गंवाकर वकीलों ने
हमें उस संवैधानिक अधिकार के प्रति ये हिम्मत दिलाई कि हिंदुस्तान का कोई वकील अदालत में भी उनसे लोहा ले सकता है। लेकिन क्या दुखद बात है कि हिंदुस्तान का कोई वकील, कोई नागरिक आ रहा है किसी भी मुकदमे में तो उसे मिलकर मारता है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे वकील भाई ये समझेंगे कि उनके अपने विरासत को वो समझेंगे और कभी भी इस तरह की राजनीति में अपना इस्तेमाल नहीं होने देंगे। किसी को भी बोलने से रोकना एक किस्म का आतंकवाद है। डराते हैं ना, भय पैदा करना सबसे बड़ा अपराध है। आतंकवाद क्या है? वो एक बम मारता है, चार लोग मरते हैं, लेकिन पूरा देश में भय फैल जाता है, समाज में भय फैल जाता है। तो आप भय फैलाते, भय के जरिए किसी को बोलना बंद करते हैं, ये आतंकवाद एक तानाशाही का एक नया तरीका है और आपके लोक होने की हैसियत को वो कम करता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जनता ने क्या किया इन दिनों में, जो नया पैटर्न आ रहा है, वो पूरा एक नेता अपनी निष्ठा और अपने जनता होने के जनबोध को उसने एक नेता में विलय करा दिया, डिसॉल्व कर दिया अपना पूरा पावर। ये अच्छा नहीं हुआ। आप जरूर अपनी जिंदगी में 1, 2, 10, 50 मालूम नहीं है एक मतदाता के रूप में आपने कितनों को वोट किया होगा, लेकिन मतदाता जब अपने आप अपना वजूद किसी नेता में विलय करा देता है तब वो जनता नहीं रह जाता, तब वो मतदाता भी नहीं रह जाता, वो आंधी के पीछे उड़ने वाली धूल बन जाता है। जनता में जो शक्ति है उस शक्ति को नहीं गंवाना है हम सब। इसलिए मैं कहता था कि आप फिल्म स्टार के फैन बन जाइए, आप क्रिकेटर के फैन बन जाइए, राजनीति में किसी के फैन मत बनिए। ये जो राजनीति की जो संस्कृति बिगाड़ी जा रही है, आपको मजा आ रहा होगा, आपकी हैसियत खत्म की जा रही है। और इस हैसियत खत्म होने का नुकसान जनता जो पहले से ही भुगतती आ रही है, आगे आपको उदाहरण दूंगा कि जब आप शक्ति विहीन होते हैं तो क्या होता है। आप कंफ्यूज होते हैं कि किस हद तक विरोध करें कि हम विरोधी ना लगे। ये पैटर्न बन गया, किसी से बात कीजिए, नहीं मैं विरोधी नहीं हूं, अरे भाई है तो क्या हो गया? आप क्रोधी नहीं हैं ये कहिए, आप विरोधी नहीं, इसमें शर्म की क्या बात? कहीं लिखा है शास्त्रों में कि विरोधी होना मना है? अगर आप कहते हैं आप विरोधी नहीं हैं, आप खुद लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हैं। आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो कहिए मेरा इस बात से विरोध है और मैं इस बात पे का विरोधी हूं। रोज लिखिए फेसबुक पे 10 पोस्ट कि हां मैं विरोधी हूं। विरोधी होना क्या गलत हो गया? विरोधी होना अपराधी होना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो विरोधी है वो अपराधी है। ये तंत्र के जरिए लोग को कमजोर किया जा रहा है और आप अपने आप को कमजोर किए दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में अपने अधिकारों के प्रति आप सजग नहीं रहेंगे तो बॉर्नविटा या च्यवनप्राश खा के आप ताकतवर नहीं हो सकते। तंत्र के सामने जो बाहुबली है और जो सबसे निर्बल है, जो देखने में है, जो कमजोर है, दोनों बराबर रूप से कमजोर हो सकते हैं। आप पहलवान है तो थोड़ी भिड़ जाएंगे तंत्र से, टैंक लगा दे तो टैंक थोड़ी उठा लेंगे आप, नहीं उठा सकते। तो इसलिए तो आप ये बहाना मत बनाइए। और यही हो रहा है कि हम विरोध छोड़ के अनुरोध करने लग रहे हैं। तो अनुरोध और विरोध में बड़ा अंतर है। अनुरोध करने की प्रक्रिया कई बार ऐसे लगती है कि आज जैसे देवता नाराज हैं, कभी ना कभी मान जाएंगे, इस पूजा से नहीं माने अगली बार मान जाएंगे, उनका हम ध्यान खींच रहे हैं। जब सूरत के व्यापारी भाई प्रदर्शन कर रहे थे 5-6 महीने तक, उन्होंने बहुत आर्थिक नुकसान उठाया, तो मैं उनके विरोध को बहुत नजदीक से देख रहा था कि ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब भी वो विरोध कर रहे थे, उनकी संख्या जहां भी वो जमा हो रहे थे और जिस वक्त से भी जमा हो रहे थे साधारण नहीं थी, काफी बड़ी संख्या में वो लोग जमा होते थे, लेकिन वो विरोध करने की जगह अनुरोध कर रहे थे। जब आप अनुरोध करते हैं तब आप लोकतंत्र के लोक नहीं रह जाते, अपने जनता होने का अधिकार आप छोड़ देते। और वो साईं भजन पे राइम बनाकर गाने लगे, पूरा जो साईं भजन है उसपे वो उनका पूरा आंदोलन है, कहीं नारा नहीं लगा, हाय हाय ये हो बर्बाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, ये सब तो
हमारे लोकतंत्र के सामान्य नारे हैं, चलते फिरते किसी भी नेता के खिलाफ लगा दिए जाते हैं, मगर वो वहां पर वो सब कुछ अनुपस्थित था, संख्या थी। जब जनता जनता नहीं रह जाती तो सिर्फ एक संख्या रह जाती है, इसलिए उनके आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। ये उनके आंदोलन की हार को वो सोचते रहे कि हमारे आंदोलन को वित्त मंत्री ने नहीं सुना हमारी मांग को, दरअसल उनके जनता होने की हार थी। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने जनता होने के अधिकार को हासिल कीजिए, जो आप रोज धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। विरोधी ना कहने के तरह तरह से सवालों में आप अगर मगर इतना जोड़ दिया जाता है कि वो सवाल छोड़ के बाकी सब लगता है। नहीं, उसे कांग्रेस ने भी किया था, पर लेकिन अभी जो बीजेपी कर रही है, पर ऐसा तो आपातकाल में भी हुआ था, लेकिन ये तो आपातकाल नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि है या नहीं है, क्या है भाई, तुम कहने वाला कहां हो, किधर हो, ये तो बताओ। तो ये जो अगर मगर इधर डगर लगा के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हर कोई इस तनाव में है, ढूंढ रहा है। मान लीजिए आप कोई सवाल करते हैं, लोग कहते हैं एंटी बीजेपी, कल को भारत के सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या हर सवाल एंटी बीजेपी हो जाए, तब क्या करेंगे आप? सवाल तो सवाल रहेंगे ना, सरकारें तो बनती रहेंगी किसी ना किसी की, जो राजनीति में है, जिनके अपने दल हैं, उन्हीं के बनते रहेंगे, किसी के बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे, किसी के बहुत छोटे समय तक चलते रहेंगे। लेकिन ये भावना आप में नहीं, पत्रकारों में नहीं, पहले पत्रकारों को टारगेट करके कहा गया, उसके बाद धीरे धीरे आप कहने लगे कि हाँ हाँ वो एंटी है, वो है, फिर वो आप उसके रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखने लगे, अच्छा जब मैं उसको एंटी कर रहा था तो मैं कैसे एंटी हो सकता हूं। कहते कहते आपका विलय की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। मतदाता मतदान के बाद मतदाता नहीं रह जाता, जनता रहता, उसको जनता बनना पड़ता है। आप जैसे ही आप अपनी निष्ठा, अपना सब कुछ किसी नेता, किसी विचारधारा में आप विलय करने लगते हैं, आप जनता नहीं रहते, आप लोक नहीं रहते। तो तंत्र जो है ये खेल तंत्र का है, जिसके इशारे पर आप नाच रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वो आप पर हावी होता जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई ऐसे प्रदर्शन जो हाल फिलहाल में हुए हैं और जो पहले भी होते रहे हैं, उनका अगर आप हमारे देश में, हम दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, कोई डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं है। अव्वल तो जो भी प्रदर्शन करे उसको सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन कर आप लोकतंत्र पर एहसान करते हैं। गाड़ी मिलनी चाहिए बाकायदा सरकार से, अब तो सरकारें जगह नहीं देती हैं आपको, जंतर मंतर से लेकर सुना है आपके शहर में भी जगह नहीं। तो सरकारों को बाकायदा गाड़ी देनी चाहिए, पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए और खाना भी देना चाहिए कि आप प्रदर्शन करके अपने नित्य अभ्यास से लोकतंत्र को सजीव किए हुए। लेकिन हमें पहले मीडिया ने उन प्रदर्शनों को हीन दृष्टि से देखा और फिर हम भी उन प्रदर्शनों को हीन दृष्टि से देखने लगे, और हुआ ये कि जनता ने जनता पर अविश्वास करना शुरू कर दिया। ये अविश्वास की खाई सिर्फ हिंदू मुसलमान से नहीं बनती, ये कई रूपों में बनती है आपके भीतर, इसलिए आप शक करने लगते हैं और शक इतना गहरा हो जाता है कि आपको लगता है कि भारत में सारे नकली लोग रह रहे हैं, अवैध लोग रह रहे हैं। ये वैध तभी होंगे जब आधार आएगा, और जब आधार नहीं आएगा तो आप अवैध हो जाएंगे। आपका सारा वजूद हिंदुस्तान में पैदा होने से नहीं तय होगा, एक नंबर से तय होगा। हर चीज जो आप अपने मां बाप को नहीं बताना चाहते वो आप सरकार को बता के जाइए, जयपुर आए है ना, कहां कहां फिल्म का टिकट कटाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स हमें बनाना चाहिए कि क्यों इतने प्रदर्शनों के बाद किसी की भी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, समाजवादी, किसी की भी सरकार आप देखिए, लोग जब प्रदर्शन करने आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो उन मांगों में से मांग तो मान ली जाती है, अमल कितनी मांगों पर होता है, हम कभी भी उसका एक डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाकर उसका आकलन नहीं करते। सरकार का आकलन हम शुरू से, पहले भी, आगे, अब भी भावनाओं के आधार पर करते हैं। वरना बंगाल के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई जरूरत नहीं थी, गुजरात के चुनाव में सरदार पटेल की कोई जरूरत नहीं। सरदार पटेल जब जिंदा थे तो वो अपनी भूमिका निभा गए, वो इसलिए नहीं निभा गए कि कोई चुनाव में उनका इस्तेमाल करे और उनके नाम पर अपनी नैया पार करेगा। तो हम यही करते हैं, हमको
हम जनता होके जनता का ही ख्याल नहीं रखते। आप सरकार का मूल्यांकन किस आधार पर कहते हैं? खुद को आप जागरूक नागरिक कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं? किसी भी सरकार का मूल्यांकन सबसे पहले इस बात से होना चाहिए कि उस सरकार के दौरान मीडिया कितना आजाद था। अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं था तो आपको उस सरकार का मूल्यांकन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको सूचना कहां से पहुंची? वो प्रोपेगेंडा पहुंचा आपके पास। और सिर्फ मीडिया की आजादी या स्वतंत्रता आप सिर्फ सरकार के सापेक्ष में मत देखिए, आपने अपने सापेक्ष में भी देखिए कि मीडिया जनता की बातों को कितनी जगह देता है। पिछले 10-15 दिनों का जो मीडिया है वो नेशनल सिलेबस में उलझा हुआ है, रानी पद्मावती को लेकर, उसके पहले राम रहीम को लेकर उलझा हुआ था, उसके पहले राम श्याम को लेकर उलझा हुआ था, 10-12 दिन दीपोत्सव में निकाल दिया पूरी दिवाली के समय। तो ये सारी आपकी तकलीफों को रिप्लेस किया जा रहा है। दिल्ली में एक महिला ने फोन किया कि वो काफी बेचैन है और वो चाहती थी कि मैं प्रदूषण पे कुछ उनको लेकर चर्चा करूं। वो नई सक्रिय हुई थी, मैं उनका हौसला नहीं तोड़ना चाहता था, पर मैं बता रहा था कि जो सवाल आप उठा रहे हैं पिछले 4 सालों से हम कर रहे हैं। पर ठीक है, कोई नागरिक जिस वक्त जागे, जिस वक्त सक्रिय हो, उसका स्वागत करना चाहिए। हो सकता है कि मैं जो आज बात कह रहा हूं उसका कल मुझे बोध नहीं था, आज हालात ने मुझे और गंभीर तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया, तो मैं ये बात सोच रहा हूं। तो उन्हें लगता था कि मैं निराश हूं, मैं निराश नहीं था। उन्होंने कहा, वो कह रही थी कि अच्छा, हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि प्रधानमंत्री का ध्यान चला जाए। मैंने कहा, मैडम आप जो हैं अवेयरनेस नहीं, आप अनुरोध कर रही हैं, अनुनय विनय कर रही हैं। आप जनता होकर प्रधानमंत्री के पास जाइए, भक्त होकर मत जाइए। उसके लिए करोड़ों देवी देवताओं की पर्याप्त व्यवस्था हिंदू धर्म में की गई। कोई निकटतम ना भी मिले तो किसी पेड़ को ही पूज लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना उदार धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि भीतर उसकी जाति व्यवस्था की बात अलग है, वो भी कर दूंगा अभी। तो हुआ ये, तो मैंने उनको एक पत्र लिखा जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। वो ये सोच रही थी कि मैं निराश हो गया हूं इस तरह से करते हुए, और वो उन्हें एक यकीन था कि 10-5 टीवी चैनल अगर उनके प्रयासों को दिखा दें स्कूल के बच्चों, हालांकि खूब कवरेज हो रहा था, ऐसा नहीं। तो मैं कह रहा था कि आप जो कह रही हैं वो तो लगातार कवरेज होता चला जा रहा, मेरा समय ज्यादा लंबा हो तो बता दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा संख्या में आए हैं, तो मैं सोच रहा हूं 2 घंटा मैं भी बोल ही लूं, कपड़ा बाद में बदल लूं। तो मैं तरह तरह का मैं सोचा नहीं, तो मैं 10-12 बंडी ले आता पर छूट गया, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि तो मैंने उनको पत्र लिखा कि आप गलत समझ रही हैं, ये असर इसलिए नहीं हो रहा है आपके आंदोलन का क्योंकि आप जनता नहीं है। तो मैं एक पत्र लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, आप ना कम कर रही हैं, उनका प्रयास अच्छा था, आप ना कम कर रही हैं ना गलत कर रही हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा कर रही हैं। आप ही नहीं, अलग अलग मसलों को लेकर बहुत से लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, उनके भी सवाल वाजिब हैं और मरने जीने से जुड़े हुए हैं, मगर इन सबका कहीं भी कोई असर नहीं हो रहा। नागरिक आंदोलनों की नाकामियों की लिस्ट लगातार लंबी होती चली जा रही है, उसमें 2-4 नाम और जुड़ भी जाएं तो सिस्टम या मंत्रियों को या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 मामलों में वे खुश होने के लिए बोल भी देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, मगर असल में एक हद के बाद कुछ नहीं होता है। दिल्ली 4 साल से इस मसले पर बहस कर रही है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के फेफड़े खराब हो रहे हैं, ये इश्यू है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। यह इसलिए हो रहा है मैडम कि जनता होने की असल शक्ति आपसे ले ली गई है। फैन बनकर या अंध समर्थक बनकर आपने या किसी ने भी मतदान के बाद अपनी निष्ठा किसी नेता में समाहित की है, वो अब जनता नहीं है। जब आप जनता की पहचान छोड़कर नेता का मुखौटा पहन लेती हैं, गाल पर टैटू बना लेती हैं, उसमें अपना विलय कर देती हैं, आप उसकी प्रतिछाया बन जाती हैं, रिफ्लेक्शन बन जाती हैं, तब आपका पीपल होने का पावर चला जाता है। इसलिए आपको या किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आप जो बोल रही हैं उसका असर क्यों नहीं हो रहा। 4 साल 5 साल से लगातार उसके बादल बर्दाश्त के लायक नहीं है, हवा खराब हो चुकी है दिल्ली की, तब भी असर नहीं हो रहा है। आपके भीतर विचारधारा या उस नेता की छाया मौजूद है, आप जब तक खुद को उस प्रतिछाया से अलग नहीं करेंगी आप जनता नहीं बनेंगी। इसलिए आपको या किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह असर क्यों नहीं हो रहा है। किसान गोली खा लेते हैं, फांसी पर लटक जाते हैं, क्या आपको उससे फर्क पड़ता है?
हर दिन हर राज्य में किसान बर्बाद हो रहे हैं, क्या आपको कभी फर्क पड़ा? कॉलेज के कॉलेज शिक्षकों से खाली है, क्या आपको फर्क पड़ा? जब हम जनता होकर जनता का साथ नहीं देते हैं, उसकी तकलीफ से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे बोलने का असर कैसे होगा? जिस तरह आप किसी और के वक्त चुप थी, उसी तरह कोई और आपके वक्त चुप है। इसलिए कहता हूं, आवाज उठाने का अभ्यास कीजिए, कोई दूसरा बोले तो उसके लिए बोलिए और उसके बोलने के अधिकार का प्रोटेक्शन कीजिए। वह जनता बनता है आवाज उठाने से, और जब भी कोई जनता बने उसका हौसला बढ़ाइए, भले असहमति हो उसके प्रयास से, मगर इस हद तक साथ दीजिए कि उसे बोलने दिया जाए, उसे सुनने दिया जाए, नहीं सुनना भी एक तरह से नहीं बोलने देना है। इसीलिए आज हम सब की लड़ाई अकेले की लड़ाई हो गई है। आप किसी भी लड़ाई को एक सीमा से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकती हैं। जनता ही जनता के साथ धोखा कर रही है, सत्ता तो अपनी प्रकृति में धोखेबाज है ही। हम सब जनता ना होकर सत्ता का काम आसान कर रहे हैं। नया हो रहा है ये कि सत्ता आपको किसी को भी हिंदू मुस्लिम के फ्रेम में बांध रही है। पहलू खान, इखलाक या जुनैद जब मारे जा रहे थे, तब मुसलमान नहीं मारे जा रहे थे, तब जनता मारी जा रही थी। जब केरल में आरएसएस के वर्कर मारे जा रहे हैं और बदले में सीपीएम के वर्कर मारे जा रहे हैं, और सीपीएम के वर्कर मारे जाते हैं तो आरएसएस के वर्कर मारे जाते हैं, तब कोई हिंदू या कम्युनिस्ट नहीं मरता, जनता मरती है। इसलिए बोलिए, जनता का साथ दीजिए। राजनीति का कोई भी अतिरूप अंत में जनता को ही कमजोर करता है, उसका लोकपन जनबोध छीन लेता है। इसलिए आपकी कोशिश तो ईमानदार है मैम, मगर असरदार नहीं है। हुआ वही, दिल्ली की मीडिया ने जल्दी ही छोड़कर रानी पद्मावती का मसला उठा लिया। उसने अपने फेफड़ों की भी चिंता नहीं, उसे अपनी सेहत की भी चिंता नहीं, तो सोचिए वो आपकी कितनी चिंता करता है। आप तब भी टीवी देखते हैं, मैं कमाल। हिंदू मुस्लिम फ्रेमवर्क किसी भी मुद्दे का बेंचमार्क है, राष्ट्रवाद एक फ्रेमवर्क है, फिर किसी को देशद्रोही कहना फ्रेमवर्क है। अब आप इतनी आसानी से इस फ्रेमवर्क से नहीं निकल पाएंगे। ये इतना गहरे बैठ गया है, इतना गहरा गया है आपके अंदर, कि इससे निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि लोकतंत्र में नागरिक होना कोई फ्री फंड का खेल है, दरअसल ये IIT के इम्तहान से भी मुश्किल प्रयास है, परिश्रम। इतनी आसानी से ना तो आप नागरिक होते हैं, ना ही फोकट में आप जनता होते हैं। आप सोचिए कि आपके नौजवानों को इस तरह से एक बौद्धिक गुलामी दी जा रही है, और अगले 20-25 साल के लिए वो एक तंत्र का पुर्जा बनते जा रहे हैं, लोग नहीं रहेंगे। आपको क्यों डर लगता है? इस देश में इसलिए भी डर लगता है कि सबको किसी को भी झूठे मुकदमों में फंसाना बहुत आसान है। जब आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि सरकार झूठे मुकदमे में फंसा देगी और जेल में बंद कर देगी, और जैसे ही आपको ये बात आती है, फिर आपको अपने आप को चेक करना चाहिए कि आपने सरकार चुना है या आपने लिए डर चुना है। और इसका भी इस डेमोक्रेसी के इंडेक्स में बनना चाहिए तीसरा पॉइंट, कि कोई किसी भी सरकार के कार्यकाल में कितने झूठे मुकदमे, कितने लोगों को फंसाया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया और फिर अदालतों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और हो रहा है यही कि राज्य दर राज्य चुनी हुई सरकारें आप जनता को निहत्था कर रही हैं, आपके ऊपर नियंत्रण बढ़ा रही हैं, डराने के लिए जनता के एक हिस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है भीड़। ये भीड़ आज पुलिस से भी ताकतवर हो गई है, पुलिस भी अब इस भीड़ के अनुसार चल रही है। कभी वो एंटी रोमियो के पीछे चलने लगती है, कभी वो किसी और के पीछे चलने लगती है। तो एक तरह से आप पुलिस का भी अब आप भरोसा नहीं कर सकते, पुलिस वालों को भी अपने आप पे भरोसा नहीं है कि उन्हें क्या करना है। तो हमारे जो राजस्थान के कानून आ रहे थे, हम समझ रहे थे कि मीडिया के खिलाफ है, दरअसल वो उन अधिकारियों के भी खिलाफ है जिन्हें एक तरह से बहुत सारे अधिकारों के साथ स्वतंत्र होने की एक तरह से शक्ति दी गई है। अब वो भी डरेंगे, वो भी ब्लैकमेल होंगे उस सिस्टम में। मैं ये सोच रहा था कि इस कानून को बनाने वाला अधिकारी अपने खिलाफ किस हद तक जा सकता, अपना ही गला घोट रहा था और कह रहा था कि हम खुद को बचा रहे हैं, वो खुद को नहीं बचा रहे थे। ये सारा खेल जो है 10-15 लोग मिलके करते हैं, ये 10-15 लोग अपने आप को बचा रहे थे, और जो कमजोर लोग हैं, जो इस खेल को नहीं करते, उनके ऊपर हमेशा ये तलवार लटका रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ तो FIR करने की अनुमति दे दी जाएगी। तो ये एक खेल था
तो पहले भीड़ को आपके सामने खड़ी कर देते हैं, फिर पुलिस को, फिर वकील को, और अंत में वो दरवाजा जो किसी जेल में खुलता है, वहां पर आपको बंद करके यूपी के 18 साल के नौजवान को, जाकिर अली त्यागी को, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया तो 42 दिनों तक जेल में डाल दिया गया। सोचिए, और उनका भयंकर अपराधियों के साथ डाला गया, और इस कदर जेल का इस्तेमाल हो रहा है कि मैं फिर यहां पर न्यायाधीश बैठे हैं, हमारे संविधान निर्माताओं से चूक हो गई। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में उनका एक सबसे बड़ा योगदान था कि निरीह से निरीह जनता के बीच से उन्होंने अंग्रेजों की जेल का भय समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने जेल का भय कायम करने के लिए सेलुलर जेल बना दिया। गांधी ने जेल का भय इस कदर समाप्त कर दिया कि लोग सेलुलर भी चले गए। जो लोग माफी मांगकर आ गए मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन लोग वो भी गए, और उनकी क्रांतिकारिता को भी मैं सराहता। मैं ये नहीं कहता कि नहीं उनको क्रांतिकारी होने से या स्वतंत्रता सेनानी के अधिकार से खारिज किया सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इस तरह से बनाए गए। लोग टूट सकते हैं जेलों के सामने, भय खा सकते हैं। बहुत सारे लोग जेलों के भय से, झूठे मुकदमों में फंसा देने के भय से नहीं बोल रहे। जो नहीं बोल रहा है डर से, वो कोई गद्दार नहीं है, वो समझ नहीं रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था थी, कायदे से एंटीसिपेटरी जेल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम ही अदालत को लिख दें कि मुझे आशंका है, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, 2 महीने मैं जेल में रहना चाहता हूं, बाद में सरकार किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दे तो आप उसमें से माइनस कर लीजिए। कब तक आप जेल के भय से नहीं बोले, तो इसलिए आप यही बोलिए कि हम फला तारीख को यूं ही जेल जाना चाहते हैं हम, और सब के सब जेल चलिए। अपना लंच बॉक्स पैक कीजिए, 2-4 सूखा पराठा ले लीजिए, 2-3 दिनों तक चलेगा, 2-3 दिन जेल में रह के आइए सब कोई, ताकि समाज के भीतर से झूठे मुकदमों और जेल का भय खत्म हो जाए। और ये एक सरकार की देन नहीं है, इसे कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। लोगों का करियर, जीवन, राजनीतिक जीवन सब बर्बाद कर दिया जाता है। एक हथियार बन गया है, किसी की भी सरकार आती है, झूठे मुकदमे में फंसाओ और जेल जाने का डर दिखाओ। तो जरूरी है कि हम इस जेल जाने का डर से, अगर हम सच्चे गांधी के सेवक अपने आप को कहते हैं, एंटीसिपेटरी जेल की मांग करके, अग्रिम जेल, हाँ अग्रिम जमानत नहीं, अग्रिम जेल की मांग करके, और जैसे 125 रुपए की मानहानि की तरह अपने आप को हम मुक्त कर लें। और मैं आपको कुछ केस स्टडी पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप पढ़िए सुनिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको कमजोर किया जाता है तंत्र के जरिए। 2012 में बंगाल में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एक कार्टून पोस्ट किया। उसी साल नवंबर 2012 में शाहीन और रेणु नाम की 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे के निधन पर मुंबई को बंद करने के पर ही सवाल कर दिया था। अक्टूबर 2012 में पुदुचेरी में एक व्यापारी रवि श्रीनिवासन को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने पी चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ आपत्तिजनक कोई टिप्पणी कर दी। मई 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ एयर इंडिया के 2 कर्मचारियों ने टिप्पणी की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं गूगल सर्च कर रहा था कि 2014 के बाद कितने लोग गिरफ्तार हुए। 31 अक्टूबर 2017 को फिल्म स्टार विजय के फैन तमिलनाडु में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसे हम आपत्तिजनक कहते हैं। जैसे लोकतंत्र में लोकजनक तो कुछ होता नहीं, सब आपत्तिजनक होता है। और इसकी शिकायत बीजेपी के आईटी सचिव ने की थी, जिला आईटी सचिव ने। नवंबर 2017 में चेन्नई में एक कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्टून बनाया था। अब देखिए, ये पैन इंडिया मामला होता जा रहा है। हम सोच रहे थे कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ टिप्पणी करने से ही गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन ये पैटर्न बनता जा रहा है। एक जगह जब जनता कमजोर होती है तो देश के हर कोने में जनता कमजोर होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने लोक होने के लोकपन को बचा लीजिए, वरना नेता जो है लड़कपन में आपको बर्बाद कर देंगे। 3 मई 2017 को उत्तरी कन्नड़ा में मुरुदेश्वर पुलिस ने 2 युवाओं को गिरफ्तार किया, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे। एक इसमें ऑटो रिक्शा चलाने वाला था, उसने फोटो शेयर कर दिया था। फिर बनारस के जिला प्रशासन ने आदेश दिया कि जो झूठी बातें अफवाहें पोस्ट करेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में कितनी झूठी बातें चल रही हैं, आज तक कोई अरेस्ट हुआ? सुना आपने कि प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में इतनी अफवाहें चल रही हैं। बीजेपी आईटी सेल के जो मालवीय जी हैं, वो बनारस वाले मालवीय नहीं जिन्होंने बीजेपी बनाया, ये जो आईटी सेल जो वो अमित मालवीय हैं, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि नेहरू जी कुछ महिलाओं से गले मिल रहे हैं। तो महिलाओं से गले मिलना कौन सी बुरी बात है? ये कब बुरा हो गया महिलाओं से गले मिलना? पता चला कि उनमें कोई उनकी बहन है, कोई उनकी भतीजी है जिनसे वो गले मिल रहे हैं। तो जब आप अपने आप को इतना कमजोर कर देंगे तो ये भाई बहन को भी प्रेमी बनाकर भीड़ जुटाकर मार देंगे। इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपका भविष्य बहुत खराब है। क्योंकि जब आप जनता नहीं बनेंगे तो आप में से कोई भी चुन लिया जाएगा, जो बच जाएगा वो सिर्फ चांस की बात है कि वो बच गए। तो इसलिए आप कभी नहीं देखेंगे कि झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में, नेहरू जी के बारे में अफवाह फैलाने के बारे में, नेहरू या जो भी हो उनके बारे में अफवाह फैलाने के बारे में कोई अरेस्ट हुआ। अब इसी साल मार्च में आखिरी हफ्ते में 7 लोगों को यूपी में अरेस्ट किया गया, और जब मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, चंद घंटे में 4 लोग अरेस्ट हो चुके थे। मार्च 2015 में आजम खान के खिलाफ किसी लड़के ने, 11वीं क्लास के लड़के ने टिप्पणी की तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। मई 2014 में देवू साहब हैं, उन्होंने मोदी जी के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की तो अरेस्ट हो गए। आरोप लगा सामाजिक सद्भावना बिगाड़ रहे हैं। ये रोज टीवी वाले बिगाड़ रहे हैं, कोई अरेस्ट हुआ है? कोई तो अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये खेल समझिए। 14 अक्टूबर 2017 को कानपुर में 22 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा हुआ, एक की गिरफ्तारी हुई। 22 इन्होंने क्या किया था, अपने प्रधानमंत्री की तस्वीर कोरिया के किम जोंग के साथ लगा दी थी। अब दिन भर टीवी में किम जोंग चलेगा तो ये इमेज बन जाएगा ना यहाँ के लोगों का, तो तुलना किससे करेंगे? तो वही गोदी मीडिया किम जोंग चला रहा था, तो उनको लगा वो नाराज था, लोग नाराज थे। नाराजगी में अपने नेता को वो दो बातें कहते हैं, तो आपने किम जोंग को प्रतीक के रूप में दे दिया तो नाराज हुआ, तो लोग तुलना कर दिया, तो उसमें उनको सजा हो गई। ये अच्छी बात नहीं। राजनीतिक जीवन में एक नेता की कितनी आलोचना होती, विरोधी तो उनके सामने बैठ के आलोचना करते हैं, पीछे भी नहीं, क्या क्या बातें नहीं कहते एक दूसरे के बारे में। वो एक दूसरे को तो अरेस्ट नहीं करते, करना चाहिए था कांग्रेस के नेताओं को कि पार्लियामेंट में आप ये सब हमारे खिलाफ करते हो, लेकिन नहीं, आप जनता के बीच से किया जाता है गिरफ्तार, ताकि आप इस प्रक्रिया में दोनों के खेल में लगातार कमजोर होते, आपको कमजोर किया जाता है ताकि आप उनका डर, क्योंकि आप नेताओं की विश्वसनीयता, जिस तरह से मीडिया की विश्वसनीयता जनता में खत्म हुई है, उसी तरह से नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हुई, लेकिन उन्हें सत्ता में तो रहना है, राज करना है, वो उसके प्रतिस्पर्धा है, दावेदार है, तो इसलिए वो लगातार जनता की हैसियत को कम करते चले गए। वरना उनके विरोधी तो क्या क्या आरोप लगाते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई चुटकुला बनाता है, कोई मुहावरा बनाता है, इधर से भी मुहावरा उधर से भी मुहावरा, ये सब होता रहता है। तो ये है कि जो गिना मैंने, तो 2014 से लेकर अब तक कोई 42 से अधिक लोग प्रधानमंत्री या बीजेपी के किसी भी मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए या मुकदमे का शिकार हुए। इनमें जरूर अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा हैं, पर बहुसंख्यक भी हैं, सिख भी हैं, हर तरह के लोग अरेस्ट में, जनता है इसमें, आपको ये बात समझनी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता को जनता बनना पड़ेगा। अब मैं एक बात बता रहा हूं कि जनता जनता क्यों नहीं है, क्या सिर्फ इस प्रक्रिया को, आपके लोकतांत्रिक होने की प्रक्रिया को बहुत साहस की जरूरत होती है। ऐसे नहीं आप फ्री फंड में लोकतांत्रिक हो जाते हैं, वो रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है लोकतांत्रिक होने के लिए। एक दिन आप नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका लोकतांत्रिक होने का प्रयास जो है वो छूट जाएगा। तो जो निजीकरण की रफ्तार हुई तेजी से, कॉरपोरेट कल्चर आया, आप देखेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में, लोकतांत्रिक भागीदारी में, इनकी उपस्थिति ना के बराबर। कोई भी अपनी कंपनियों से निकल कर नहीं आता है, जो भी एक बार कॉरपोरेट में गया वो डेमोक्रेसी के सेटअप से बाहर हो जाता है। इसीलिए वो एक ऐसी व्यवस्था को जीने लगता है जिस व्यवस्था में लोकतंत्र के प्रति उसके भीतर कदर कम हो जाती है। तो वो ट्वीट करते करते ड्रीम करने लगता है कि इंडिया को सिर्फ मिलिट्री रूल ही सेव कर सकता है,
इस तरह के फालतू फालतू विकार सपने आने लगते हैं उसे, विकार ही है एक तरह से। तो उनका निजीकरण को हमने पेश किया कि ये लोकतंत्र की कई बीमारियों के इलाज हैं, मगर इसने लोकतंत्र की भावना को कमजोर किया है। इसने प्रोत्साहित नहीं किया कि आप ठीक है कंपनी हैं, आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कीजिए। ये इसलिए नहीं किया कि ये अपने नेताओं के साथ मिलकर एक कार्टेल बनाता है और दोनों मिलकर जनता के खिलाफ हो जाते हैं। ये इनके हित में है कि एक तरफ से सिस्टम जनता को कमजोर करे, कुछ जनता को ये अपने यहाँ रखकर उसे डेमोक्रेसी से दूर करें, और फिर ये सब मिलके जो चाहे जहां चाहे जमीन ले लें, जहां चाहे पहाड़ ढहा दें, हालत ये कर दे कि आपके शहर में ही लोग गड्ढा खोद के हफ्तों खड़े रहे किसान की हमारी जमीन का दाम मिल जाए, मगर मिला नहीं। आप अपने आसपास ही देखें, कहीं दूर जाकर इंडोनेशिया में देखने की जरूरत नहीं है। तो आपके जनता होने की हैसियत लगातार कम होती जा रही है, जितना ज्यादा निजीकरण बढ़ रहा है उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस कम होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा। आप ना सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, ना कंपनी के खिलाफ बोल सकते हैं, ना किसी अब धर्मगुरु के खिलाफ बोल सकते हैं। तो क्या बोले, मुंह आ करें, आए बाएं करें, क्या बोले? जब किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते तो क्या करें भाई? कोई बोलने का कोई दिवस तय कर दो, इतनी जयंतियां मन रही हैं, एक बोलना जयंती हो जाए। यार हिंदुस्तान में बोलती जयंती मनाई जा रही है, इस जयंती के उपलक्ष्य में सबने सब एक दूसरे के खिलाफ बोला है, कल से कोई नहीं बोलेगा। बोलने के लिए जगह जगह से लोग जमा हो रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं बसों में भर के कि वहां चल के बोलेंगे। आप यही तय कर दो, एक दिन तो बोले कम से कम। तो ये आप बोलने के स्पेस से आप पीछे मत हटिए, आपको डराया जा रहा है लगातार। कंपनियों की दिलचस्पी लोकतंत्र में कभी भी नहीं है, और आप देख रहे हैं कि अभी तो चुनाव की वजह से लोकसभा का सत्र जो है वो शीतकालीन सत्र का की घोषणा नहीं हुई है, इस पर बहस हो रही है, लेकिन आप कभी नहीं देख पाए जब लगातार हर राज्य पिछले 30 सालों में विधानसभा के सत्रों की संख्या कम होती जा रही है। विधायक और विधानसभा के सत्रों की अहमियत सरकार चलाने में, लोकतांत्रिक होने में वो गिरती चली गई। तो आपने लोकतंत्र के अभ्यास का जो एक मंच है जहां पे कोई विधायक बनकर नेता बनता था, आज आप विधायक बनते हैं, मंत्री नहीं बने तो उनको कोई नहीं जानता, हार के या जीत के अपना जीतते रहते अपना हारते रहते हैं, क्या क्या करते हैं मालूम नहीं। तो हमने उन संस्थाओं की तरफ देखना बंद कर दिया था, देखना पड़ेगा आपको खुद, मजबूर करके फोर्स करके अपने आप को ले जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या बात है कि फला मुख्यमंत्री फला सरकार में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाता और सत्र बुलाकर औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। क्या आपको विधानसभा में यकीन नहीं रहा? क्या आपको संसद में यकीन नहीं रहा? मैं नहीं मानता। अगर यकीन नहीं होता तो आप में से 70% या 80% लोग वोट देने नहीं जाते, मगर जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, तो अपना सब कुछ आप विलय उस नेता में कर दे रहे हैं। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसे की बुनियाद तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, भावनाओं पर नहीं। इसलिए अपने आप को ज्यादा सूचित कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, वरना आईटी सेल के जो गुंडे हैं वो आपको खा जाएंगे। हाँ उनका काटल है, खा ही जाते हैं आजकल, इसलिए लोग को एक खतरा है। चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं, अमेरिका से एक सर्वे आया है 2464 लोगों का, मैं तो खुश हूं कि ये 2500 नहीं है। जब इतना ही कर लिया 10-20 और जोड़ के 2500 कर लेते, पर उनको कोई लगा होगा शायद ज्योतिष ने कहा होगा कि 2464 रख लो तो इसमें कालगणना सही रहेगी। वहां तक ठीक है इनकी बात कि 80% इन 2464 में, जिसमें 10 में से 9 भारतीय बताया गया, प्रधानमंत्री को लोकप्रिय मानते हैं, वहां तक ठीक है, किसी भी सर्वे में वादे ही हैं लोकप्रिय है। पर जो बाकी सवालों के जवाब दे रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है। वैसे तो मैं उस 10वें को लेकर भी चिंतित था कि भाई जब 9 उस तरफ चल गए तो तुम अकेला किस क्यों इस तरफ खड़े हो। फिर मुझे लगा कि ये जो एक आदमी है ये असली लोकतांत्रिक है, ये एक तरफ अकेला खड़ा होकर हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एहसान कर रहा है, वरना वो अकेला तो डर के मारे देखे कि 9 आदमी उधर चले गए हैं, भाई क्रॉस करो उधर 10 में 10 बन जाओ। हाँ
पर वो अकेला बना रहता है। ये कमाल का आदमी है, जो भी है उसका सलाम मैं यहां से भेजता हूं कि उसने लोकतंत्र की मान रखी, एक नेता को 90% लोकप्रिय भी होने दिया, लेकिन एक एक जगह खड़ा होकर एक विरोधी भी है उस नेता का, यह भी होने दिया। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आगे की जो बात है, उन जो 2,464 लोगों की, वो अपने ही सर्वे की इस अच्छी बात को खारिज करते हैं। जो लोग इस सर्वे को ट्वीट कर रहे थे या इसका जश्न मना रहे थे, मुझे लगा थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। इनमें से 50 से 55% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सैनिक शासन होना चाहिए। 10 में से 9 मानते हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुनकर आए एक व्यक्ति में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और वो व्यक्ति अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का ही प्रतीक है, तभी वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर उन 9 लोगों में से 5 लोग फिर सैनिक शासन में क्यों यकीन रखते हैं? क्या उन्हें पूरा विश्वास नहीं जिसे वो लोकप्रिय बता रहे हैं? वो क्यों रहे? आप सोचिए, अगर इनसे ये सवाल पूछा जाता, एक ही सवाल पूछा गया होगा, क्या आप मिलिट्री रूल को बेहतर मानते हैं, तो कह दिया होगा कि हाँ। लेकिन दूसरा सवाल अगर मैं पूछता, क्या आप चाहते हैं कि मिलिट्री रूल में कोई रात में 2 बजे आए और आपको आपके बाप को उठाकर थाने में तहखाने में 10 साल के लिए बंद कर दे, ना वकील, ना दलील, ना मुकदमा, ना तारीख, मिलिट्री रूल का समर्थन करेंगे? करता वो नहीं करता। ये सवाल पता है क्यों पूछा जा रहा है? इसका कारण बताता हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए। सैनिक शासन को पसंद करने वाले लोगों से सर्वे वाले ने नेता का नाम नहीं पूछा कोई जो मिलिट्री रूल करेगा वो कौन होगा, वरना ये ऐसे लोग हैं जो कह देते कि जनरल वीके सिंह को बनाऊंगा मैं अपना नेता। जो राज्य मंत्री है सैनिक है, मिलिट्री रूल में तो मिलिट्री वाला सेनाध्यक्ष ही बनेगा ना, और कौन बनेगा? मैंने मिलिट्री रूल में ऐसा थोड़ी होता कि कैप्टन बन गया, तो कैप्टन भी पहले सेनाध्यक्ष का तख्ता पलटेगा तब जाके वो मिलिट्री रूल कायम करे। लेकिन जब तक सेनाध्यक्ष है और मिलिट्री रूल है तो सेनाध्यक्ष ही बनेगा ना फिर। तो कितनी गड़बड़ियां हैं लोकतंत्र को लेकर, नेता को लेकर, सोचने में हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? इसलिए हैं कि लोकतंत्र को लेकर जो अभ्यास मैच होते थे हमारी संस्थाओं के दैनिक अभ्यास मंच, पत्रकार से, लेख से, ये आज नहीं। ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस सरकार के दौर हुआ तो गलती कर रहे हैं, फिर समय को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। ये 25-30 सालों से लगातार होता चला आ रहा है, जिसमें संस्थाओं को लगातार कुचला जा रहा है। आज शायद आपको इसलिए लग रहा है कि कुछ लोग या ऐसे लोगों का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा दिख रहा है जो इसके प्रति सचेत है। इस सर्वे में 55% ने कहा उन्हें स्ट्रांग नेता चाहिए। क्या करना है स्ट्रांग नेता का? क्या संविधान में बनाए गए कानून, दिए गए अधिकार किसी नेता या मुख्यमंत्री को इतने अपर्याप्त हैं कि वहां पहलवान चाहिए? क्या कैबिनेट सेक्रेटरी से कुश्ती करने की जरूरत पड़ती है, कैबिनेट की मीटिंग में मारना उड़ना पड़ता है? इसलिए चाहिए स्ट्रॉन्ग नेता, स्ट्रॉन्ग विल को रिप्रेजेंट करने वाला नेता चाहिए, ये होना चाहिए। पर ठीक है, क्योंकि एक सवाल है और इस सवाल को लेकर कोई भी, अभी आप आलोचना कर रहे हैं, आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कहेंगे कि हाँ स्ट्रॉन्ग नेता चाहिए, देश को चलाने वाला मजबूत नेता चाहिए। लेकिन ये लोग कंफ्यूज हैं कि सैन्य तंत्र वाला नेता चाहिए कि लोकतंत्र वाला नेता चाहिए। ये चल रहा है, एक मिथक जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि मजबूत नेता का एक मिथक है और उसके पैरेलल सैनिक शासन का चल रहा है। क्योंकि अभी तक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो अपने बेहतर रूप में जनता की आकांक्षाओं को पूरी तरह पूरी करने में असफल रही हैं। और आप देखेंगे कि इनके जरिए जो सत्ता और संसाधन का नियंत्रण रहा है, भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में और दुनिया भर में 1 या 2% लोगों के पास है, बाकी 90-95% आबादी की संपत्ति कि बराबर की संपत्ति वहां जमा हुई है। ये वो खुद ही बता रहे हैं, ये किसी कम्युनिस्ट देश से नहीं आ रहा है, CPM के दफ्तर का सर्वे नहीं है, ये खुद ही वो लोग अपना सर्वे करते हैं अर्थशास्त्री जो पूंजीवादी व्यवस्था में यकीन करते हैं कि 1-2 ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट है कि 1-2% लोगों के पास है। तो अब डर है नेताओं को कि ये जो 90% जनता है जिसके पास खाने के लिए नहीं है,
अभी तो इसके कुछ प्रतिशत फांसी पर लटक रहे हैं, लेकिन जब ये अपने आत्महत्याओं से थक जाएंगे तो एक दिन बगावत कर देंगे। मरने की भी एक सीमा होती है, मारने की भी एक सीमा होती है, वरना मारने वाले तो इस देश दुनिया के इतिहास में कितने हुए पलट के देखिए, फिर भी इंसान खत्म नहीं हुए, वही खत्म हुए, वही खत्म होकर चले गए। तो उन्हें ये डर है, तो उस डर में आज जो भी पावर पर बैठता है ये डर उसको सताता है। आप में से भी कोई इस पावर पर बैठेगा आपको भी ये डर सताएगा। उनका डर वाजिब है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई ऐसा फॉर्मूला बचा है प्रोपेगेंडा और इवेंट के अलावा, ये आखिरी फॉर्मूला है नेताओं के पास। तो ये वो ड्रामा कर रहे हैं कि इसी बहाने सैनिक शासन को प्रतिष्ठित कर रहे हैं इन सवालों के जरिए, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है लोक आकांक्षाओं को कुचलने का। जब आप लोग जनता के रूप में जनता नहीं रहेंगे तो एक मामूली सा बंदूकधारी आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, आप कम से कम 10-20 साल तो बोलना छोड़ ही देंगे, आपकी जुबान खत्म हो जाएगी, भाषा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला मजबूत बनाया जा रहा है, जबकि ये दोनों ही फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग लीडर का और मिलिट्री लीडर का फॉर्मूला इतिहास का पिटा हुआ फॉर्मूला है। ये आप हिस्ट्री नहीं भी पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा, हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो और ठीक से समझ में आ जाएगा, और पोस्टर भी फाड़ देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या फॉर्मूला है। तो हम क्या कहेंगे, गांधी, मंडेला, लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, विनोबा भावे, इन सबको क्या कहेंगे आप? मजबूत नेता नहीं कहेंगे, वो दुबला पतला सिर्फ धोती पहनने वाला जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ता चला गया, वो क्या था, कमजोर नेता था या मजबूत नेता था? मजबूत नेता था ना। जरूरी नहीं कि मजबूत नेता हमेशा अच्छे कपड़ों में दिखता हो, पूरे कपड़े में दिखता, कोई नंगा फकीर भी मजबूत नेता हो सकता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक नंगा फकीर भी मजबूत नेता हो सकता है जो अपने इरादे पे सिर्फ लाठी लेकर चल दिया, 30 साल तक सेलुलर जेल के खौफ को आपके भीतर से खत्म कर दिया और आपके सामने और ब्रिटिश हुकूमत के सामने सबको खड़ा कर दिया। ये उसका ही हौसला था कि उस धारा से कोई भगत सिंह भी निकला, कोई चंद्रशेखर आजाद भी निकला, कोई बोस भी निकला। इसलिए स्ट्रॉन्ग लीडर हमेशा रंगीन बंडियों में नहीं आता है। एक हफ्ता आप गॉड को लेकर झगड़ते हैं, अगले हफ्ते गोडसे का मंदिर बना देते हैं। 1940 से 45 के युद्ध के दौरान, और ये इतिहास का उदाहरण, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल बहुत लोकप्रिय थे उस वक्त जब विश्व युद्ध का दौरान था, और बड़े उनके कोट वोट चलते थे, आज भी छप जाते हैं इधर उधर की, चर्चिल ने ये कहा था, वो कहा था, चर्चिल की बातों पे लोग आंख बंद कर यकीन करते थे। तो लगा कि चर्चिल उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और वो जो कहते हैं वो दूर तक जाती है, लोग उसे सुनते हैं और मानते हैं। विश्व युद्ध के बाद जब चुनाव हुआ तो चर्चिल हार गया, तो मजबूत नेता हारता भी ऐसा नहीं, एटली ने उस चर्चिल को हरा दिया। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इस लोकतंत्र में अपने लोक होने के बोध को कमजोर करेंगे, आप भारत की आजादी की लड़ाई के साथ धोखा करेंगे। अनगिनत लोगों ने अपने लोक होने के अधिकार को हासिल किया, लड़ा। हम स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देते हैं, क्या हमें पता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी जब इस देश को आजाद करने के लिए वर्षों जेल में रहे, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, उनके पीछे उनके बच्चे, पीढ़ियों तक के बच्चे बर्बाद हो गए, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति उसी पेंशन पर रही और वो लगातार कमजोर होते चले गए। तो उन्होंने इतना बड़ा, कई पीढ़ियों का, अपने परिवार की कई पीढ़ियों की जिंदगी दांव पर लगाकर, भविष्य दांव पर लगाकर देश के लिए लोक होने का बोध हासिल किया। आप उस देश के लिए, उनके लिए कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत के लिए, रखने के लिए, अपने लोकपन को, अपने जनता होने के अधिकार को कमजोर मत कीजिएगा। इसलिए ये मजबूत नेता जो है वो टाइम पास का फॉर्मूला है,
नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, ना कि सारे लोग उसके पीछे पीछे चले। इसलिए आप गांधी के आसपास बहुत सारे नेताओं को देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद को भी देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को भी देखते हैं, नेहरू को भी देखते हैं और सरदार पटेल को भी देखते हैं और वैसे बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं। उसी से लोकतंत्र में लोग हावी रहता है, वरना एक नेता हावी होगा तो सिर्फ तंत्र ही तंत्र रह जाएगा, झूठ का मंत्र रह जाएगा। इसलिए आप लोक का निर्माण कीजिए, फिर से जनता होने का अधिकार हासिल कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपने बहुत प्यार दिया। अरे बैठो बैठो यार।